अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, आई होप यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जो गैशियस एक्सचेंज था एनिमल्स में प्लांट्स में किस तरीके से होता है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ना है वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि उसमें जो है वो हम अपना बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो सेम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 फिक्स टेम्परेचर होता है, तो अगर बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 मेंटेन रखना है क्योंकि उसमें हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएटिंग इन दी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। यानी कि 37 मेंटेन रहेगा कि हमें बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 मेंटेन रखना है। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। वो कहने की अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स क्वान्टिटी मतलब ऐसे फूड खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा भी है लेकिन उसमें ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज वगैरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स से ही मिल रही है हमें, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होती है या कम होती है तो लेकिन हमारी बॉडी का जो है वो उतनी 1 ग्राम ही रहनी चाहिए पर लीटर। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। दे आर फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हो रहे हैं या एंजाइम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आपने 9th में पढ़ा है एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में, वो किस तरीके से मैकेनिज्म के बारे में किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, जो कि 37 होता है। अब हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस में क्या क्या आता है। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड इन द बॉडी फ्लूइड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड टिश्यूज इन फ्लूइड्स, वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। वो कह रहे हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट की जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर जिसमें ब्लड है या टिश्यू फ्लूइड्स हैं उसमें जो है वो हमें सेम रखनी चाहिए रखनी होती है मेंटेन रखनी होती है। जैसे आपको पता है कि जो सॉल्ट जो है और वाटर जो है वो इनसाइड द बॉडी जो है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही होती है, तो उसकी मूवमेंट को वहाँ पर कंट्रोल रखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी फ्रॉम द ग्रेट 9th बुक। टॉनिसिटी के बारे में भी आपने पढ़ा कि जो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होती है इन सॉल्यूशन उसको भी किस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा ये ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे। थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन रखना है तो वो थर्मो रेगुलेशन है। अगर वाटर सॉल्ट को मेंटेन रखना है वो ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे और टेम्परेचर का थर्मो रेगुलेशन में। द एंजाइम ऑफ बॉडी ने वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर मे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं वहाँ पर एंजाइम जो है वो अपना बेस्ट काम करते हैं। अगर वो चेंज होगा तो बॉडी उसका एंजाइम का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मतलब कुछ जो हमारी बॉडी में चाहिए चीज़ें ब्रेकडाउन से फूड की ब्रेकडाउन से जो चीज़ें एसेंशियल हैं वो यूज़ हो जाती हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं ताकि जो हमारे बॉडी का इंटरनल कंडीशंस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें, स्टेबल रहें। ठीक है, अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंट। थर्मोस्टेसिस के जरिए वो भी अपनी इंटरनल कंडीशंस को जो है वो कॉन्स्टेंट रखता है। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म
फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स. उनकी बॉडी में भी जो है वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस मटेरियल और वाटर की कंसंट्रेशन भी एक हद तक मेंटेन रहनी चाहिए. किस तरीके से वो रिमूव करेंगे उन चीज़ों को या इनटेक करेंगे वो हम इस स्टेप में जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वो किस तरीके से एक्स्ट्रा कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. आपको पता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से जो है वो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, स्टोमेटा से. इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडाइज्ड is utilized in the photosynthesis and hence it is not a waste product. वो कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, रिवर्स प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रही है. मतलब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही है प्लांट्स में और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है. तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रही है. At night it is a surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion in young leaves and diffusion in leaves and the young stem carbon dioxide escape out through stomata in young roots. Carbon dioxide diffuses through the general root surface especially through root hairs. वो कहने के जो नाइट के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोमेटा से जो है वो यंग प्लांट के स्टेम से और लीव से जो है वो रिमूव हो रही है. लेकिन जो और यंग जो रूट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए रूट हेयर से जो है वो बाहर जो है वो इवॉल्व हो रही है. Oxygen is produced in mesophyll cells during daytime as a byproduct of photosynthesis. After its utilization in the cellular respiration, the mesophyll cells remove the extra amount of oxygen through stomata. अब वो कह रहे हैं कि जैसे डे टाइम में जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके नतीजे में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें जो कार्बन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, वो ऑक्सीजन जो है वो जो बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बन रहा है वहाँ पर यूटिलाइज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही थी. मतलब ये कि ये जो ग्लूकोज थी C6H12O6 ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है. ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ये फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनेगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो और एनर्जी की मौजूदगी में C6H12O6 और प्लस इसके साथ बनती है ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड इस नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है जो कि डे टाइम में ये रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. ऑक्सीजन यहाँ से इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन में इस्तेमाल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है. और जब रात के टाइम फंक्शन वो वाला नहीं होगा सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगी और कुछ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने इस बात को ही बताया हुआ है कि किस तरीके से वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है. यहाँ तक आपने पढ़ना है, कल हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.